हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं अपने वीडियो के पहले एक छोटा सा वीडियो गाने का लगा दिया है। मुझे ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। इन दिनों इनके गाने की काफ़ी चर्चा हो रही है, तो ये इनका एक ब्लॉग चैनल भी है, तो मैं उसे देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और गाना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। गाना मैं गा नहीं पाती हूँ लेकिन मुझे गाना पसंद आता है, इसलिए मैंने शेयर किया। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इनके चैनल पे जाके गाना देख सकते हैं। इनका ब्लॉग का भी चैनल है और गाने का भी चैनल है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो इसलिए मैंने सोचा कि शेयर करें। आजकल मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं सब शेयर करती हूँ, बस इसीलिए शेयर कर दिया है। इधर हवा, अभी हम लोग जाएंगे मंदिर। जा रहे थे लेकिन इनका कुछ कॉल आ गया ऑफिस से, तो ये बैठ गए हैं, इसलिए मैं बाहर आ गई। हवा बहुत अच्छा चल रहा है। बाहर काफ़ी अंधेरा हो गया है, अगर मैं रिकॉर्ड कर पाए तो थोड़ा सा मंदिर का क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगी। चलते हैं अंदर। प्रिशा, तुमने डोर ओपन कर दिया? ओके, लेट्स गो, लेट्स गो। हेलो, कैसे हो आप प्रिशु? ओके, चलो चलते हैं टेंपल। पापा को बुलाओ, पापा को। पापा, क्या हुआ? चोट लग गया? समाज जा रहे हैं पिशु। पिशु इधर आओ, इधर पिशु। तो आज मंगलवार का दिन था और मुझे प्रसाद चढ़ाना था, तो इसलिए हम लोग 7 बजे शाम को नहा धो के अपना तैयार हो गए थे, प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर आ गए हैं। तो हस्बैंड साथ में नहीं है इसलिए, क्योंकि वो बच्चों को देख रहे हैं, बच्चों को पकड़ना ज़रूरी होता है, वो लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो मैंने अकेले ही प्रसाद चढ़ाया है। अब मैं जब पूजा कर लूँगी तो उसके बाद वो पूजा करेंगे, तो वहाँ पर वही मेरी रिकॉर्डिंग किए हैं। तो पूजा बहुत अच्छे से मेरी हो गई थी आज, और मैंने सोचा है कि अगले मंगलवार को ही मैं आ जाऊँगी मंदिर। तो पूजा करने के बाद हमेशा की तरह मैं अभी बैठी हुई हूँ कुछ देर, और बच्चे मेरे पास ही थे, अब गए हैं हस्बैंड पूजा वूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग अब निकल लिए हैं घर की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं घर, और यहाँ पर समक्ष हो पापा प्रिशु स्कूटी से जाएंगे। मैं पैदल ही ऐसे चलती हुई जा रही थी, मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, हवा बहुत अच्छी चल रही है इधर,
दिन में तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हवा की वजह से, लेकिन शाम के टाइम की हवा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अभी मैं थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्ड करते हुए चल रही थी, उसके बाद फटाक से घर पहुंच गई। घर पहुंचने के बाद मैंने आज थोड़ा सा अपना डिनर शेयर किया है, और डिनर में मुझे बनाना था आलू का पराठा। मेरे बच्चों को आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आलू में प्याज बारीक कट करके मिक्स कर दीजिए, तो मैं वही पराठा बना रही थी। तो मैंने थोड़ा सा शेयर किया है, पराठे बनाने के बाद मैंने बच्चों को खाना खिलाया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा शेयर कर दिया। ब्लॉग में आखिर क्या दिखाएगा कोई, तो मैंने शेयर किया था। और मैंने इसकी रेसिपी नहीं शेयर की कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि आलू का पराठा बच्चों को अगर खाना है तो सिंपल ही होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं होते हैं, ताकि बच्चों को खाने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कैमरा रिकॉर्ड कर दिया था और मैंने पराठे बना लिए थे। बच्चे मेरे पराठे दही से ही पसंद करते हैं, और ख़ासकर मीठी दही से, जो मिष्ठी दोई करके आता है अमूल का, तो वही ले आती हूँ। अगर नहीं रहता है तो सफ़ेद दही में भी थोड़ा सा हल्का मीठा होना चाहिए, तो थोड़ा सा शुगर ऐड कर देती हूँ, शक्कर। तो यहाँ पर मैं पराठे जल्दी जल्दी बना लूँगी। और अभी प्रिसा अंदर नहीं आई थी, वो बाहर ही सामने वाले पार्क में चली गई थी स्विंग करने, तो मुझे ऐसे था कि जब उनके आने से पहले मैं बना लूँ, वरना वो बीच बीच में परेशान करती रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने बना लिया था। अब मेरे वॉइस ओवर करने में थोड़ी बहुत आवाज़ें आपको आती होंगी, क्योंकि मेरा घर जो है वो बिल्कुल गेट के सामने से ही काफ़ी ज़्यादा शाम के टाइम शोर शराबे होते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ आवाज़ें आ ही जाती हैं इस वजह से, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और यहाँ पर मैं पराठे सेक कर बच्चों को खिला दूँगी, उसके बाद मैं आपको मिलूँगी। तो पराठे थोड़े से फटे फटे से नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये आटा मैंने खुद ही गेहूं धुल के पिसवाया था, तो आटे को बहुत सही से उसने पीसा नहीं है। तो इस आटे को कितना भी आप गूंथ दीजिए तो इसकी रोटी पराठे थोड़े से साइड से फट जाते हैं। अगर पैकेट वाले आटे का इस्तेमाल करिए तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, बहुत चिकनी चिकनी सफ़ेद सफ़ेद पूरी पराठे रोटियाँ बनकर तैयार होती हैं उसकी। लेकिन मेरे पास गेहूँ था तो मैंने धुल के सुखा लिया था। पिछली बार मेरा आटा अच्छा पीस दिया था, इस बार नहीं पीसा। पराठे बनकर रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। ये है दही, अब मैं ले चलती हूँ समक्ष को खिलाती हूँ। इस समय समक्ष की तबीयत काफ़ी ख़राब है, देखती हूँ खाते हैं कि नहीं। वो खाने उन्हें को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा रहे हैं, अब देखती हूँ खा लें तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर ये दोनों बैठ गए हैं। रिशु को तो पहले मोबाइल ही चाहिए कुछ खाने से पहले, तो अभी आज इसने आधा पराठा समक्ष ने खाया था, क्योंकि इसे अभी वकाई आती है, इसे लगता है कि मुझे उल्टी हो जाएगी तो मैं खाना ना खाऊं, पता नहीं गर्मी है क्या है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया था, प्लीज़ इस मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसीलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं ताकि हमारे वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो प्लीज़ मैं बार बार हर दिन यही कहती हूँ, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।